आरा का एकमात्र रेलवे ओवरब्रिज की हालत पिछले काफी समय से मरम्मत न होने के कारण खस्ता हालत में है। आप इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रेलवे ओवरब्रिज जर्जरता के कारण किस हालत में है। ब्रिज की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं व तेज रफ्तार से दौड़ने वाली गाड़ियों की सड़कें आह भरती हुई नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, इस पुल को खड़ा रखने वाला खंबा भी अपनी बदनसीबी की कहानी आने जाने वाले राहगीरों से बयां कर रही है। रेलवे लाइन के दोनों पार जिले की सबसे बड़ी आबादी को शहर से जोड़ने वाला यह एकमात्र ओवरब्रिज है, जो आज जर्जरता के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है। ओवरब्रिज के इन जर्जर खंबे को देखकर राह से गुजरने वालों के कलेजा सच में दहल जाएगा। ब्रिज की छड़े आह भरते हुए बाहर की ओर निकल चुकी हैं, जो कभी भी बड़े खतरे का अंदेशा जाहिर कर रहा है। पुल से प्रतिदिन हजारों गाड़ियां वीआईपी से लेकर भारी वाहन व कई छोटी बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन इसके खस्ता हालात पर किसी की नजर नहीं पहुंचती है। पुल से गुजरने वाले राहगीर हर समय वहां से जितना जल्दी हो सके गुजरना मुनासिब समझते हैं, क्योंकि कब यह पुल धराशायी हो जाए और उसके चपेट में खुद ना आ जाए। परेशानी होती है, क्या लगता है आपको कभी दुर्घटना होने की संभावना? विगत कई वर्षों से, खास के बचपन से हम लोग इस पुल को इसी अवस्था में देख रहे हैं और दिनों को दिन इस पुल की बदतर स्थिति होते जा रही है। हम लोग को रोज आना जाना होता है, इससे सैकड़ों लाखों लोग व्यक्ति रोज, खास के पूरे रोहतास पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोग रोज प्रतिदिन इस पुल से आते हैं। भारी वाहनों का परिचालन है और इस पुल की स्थिति देखते हुए डर लगता है कि कब यह पुल बनारस जैसे हादसे का शिकार ना हो जाए और जिसका सबको खामियाजा भुगतना पड़े। सरकार को इस बात पर ध्यान थोड़ा जरूर देना चाहिए, ताकि यह सारी समस्या दूर हो या कोई बड़ी दुर्घटना से हम भोजपुर वासी बच सकें। जनप्रतिनिधि हो या जिला, हाँ सब सारे लोग, हाँ नहीं, जनप्रतिनिधि वार्ड कमिश्नर से इस बात की शिकायत की गई है। अक्सर इन बातों को देखा जाता है कि यहाँ पे ये धूल मिट्टी वगैरह अक्सर एक्सीडेंट होता है, तो कहा जाता है कि इसका थोड़ा रख रखाव तो आप लोग मेंटेन करें। भी दिखाई देते हैं, पाया क्या भी सरिया दिखा, हाँ हाँ, एवं सारा चीज़ तो मैंने हम लोग बोलेंगे कई दशक का पुल हो गया और इसमें किसी भी प्रकार का कोई नया निर्माण, मतलब इसको रिपेयरिंग के लिए कभी इसमें काम नहीं, तो जिसकी वजह से स्थिति अभी आप हम लोग महसूस कर रहे हैं इसके कंपन को। हो सकता है कि ये कंपन किसी दिन दुर्घटना में मना बदल जाए, तो सरकार को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए इन विषयों पर, ताकि नागरिक सुरक्षित रह सकें। मेरा नाम निखिल कुमार हुआ, मैं जगदेव नगर का निवासी हूँ। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2006 व 7 में पश्चिमी रेलवे गुमटी पर बने ओवरब्रिज का उद्घाटन अपने हाथों से किया था। एक समारोह आयोजित कर पुल पर परिचालन प्रारंभ किया गया था। ओवरब्रिज में बनने के बाद शहरवासियों के चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि ओवरब्रिज की कमी लंबे अरसे से महसूस की जा रही थी। इसके निर्माण में तकरीबन 6-7 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। निर्माण कार्य चलने के बाद भी प्राकलन राशि में वृद्धि की गई थी, जिससे कि निर्माण में कोई रुकावट नहीं आए। आरा मुगलसराय रेल खंड पर बने इस ओवरब्रिज के नीचे से हर रोज सैकड़ों रेल गाड़ियां गुजरती हैं। विभाग ने इसके रिपेयर पर जरा भी ध्यान दिया होता तो शायद पुल की रेलिंग क्षतिग्रस्त नहीं होती, न ही टूटी फूटी सड़कें होती। पुल के खंबे और फुटपाथ को कभी उद्घाटन के बाद से देखा ही नहीं कि वो किस हालात में है। पश्चिमी रेलवे गुमटी में बने ओवरब्रिज पर कई जगह बड़े बड़े गड्ढे उभर आए हैं, जिसके चलते लोहों का छड़ भी दिखाई देने लगा है। बावजूद इसके मरम्मत के प्रति बिहार राज्य पुल निगम उदासीन बना हुआ है, जिसकी वजह से ओवरब्रिज की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही है। अगर स्थिति ऐसी ही रही तो पुल का वजूद खतरे में पड़ सकता है। स्थिति एकदम खराब है, कोई देखने नहीं आया है, जब से पुल बना है या कोई कुछ खबर लेने नहीं आया। अपराध इसमें से टूट टूट के उसका क्या बोलते हैं आपको, सीमेंट का बड़ा बड़ा हिस्सा गिरता है, जिससे क्या होता है कभी दुर्घटना हो सकती है आने, और उसके बाद सारा छड़ लौक रहा है। अभी तक कोई देखने नहीं आया था जिला प्रशासन से लेकर कोई कोई आदमी नहीं, हम लोग दो चार हाली पेपर में भी दिए हैं, इसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ।
आशंका बनी रहती है, आशंका बनी रहती है। कभी दुर्घटना जैसे बनारस में हुआ है, कभी इस पर भी हो सकता है। सरकार इस पर ध्यान दे, पुल को मरम्मत कराए, यही हम लोग का। ये क्या नाम आपका? राम बाबू सिंह। ना है तब से ना कोई जनप्रतिनिधि आया है देखने के लिए, ना जिला प्रशासन का स्कूल के ऊपर ध्यान है। अक्सर देखिए आप स्कूल पर जाइएगा तो ऊपर भी टूटा हुआ है, हर एक जगह ओवर ब्रिज पे मतलब एक तरह से ब्रेकर बन चुका है, हर जगह टूट टूट पर। ऊपर भी सरिया दिख रहा है, नीचे आप देखिए रहे, आप यहाँ देख लीजिएगा कि पूरा टूटा हुआ है। और इससे हमेशा मतलब जनप्रतिनिधि सांसद विधायक मंत्री तक जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान कभी इस ब्रिज पर नहीं गया है कि इस ब्रिज का क्या स्थिति है। ये कभी भी टूटेगा तो जनता के प्रतिनिधि जो मंत्री सांसद विधायक है वो तो अपना संवेदना व्यक्त कर देंगे, बस उसके बाद क्या करेंगे, कहेंगे कि ये जांच कीजिए। जांच में क्या होगा, कुछ नहीं है। आप हम या सब लोग जानते हैं, अभी जो कैंट हादसा हुआ है बनारस में उसी को देख लीजिए, हादसा तो हो गया, उस पर सब लोग संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं। जांच तो क्या होगा, वही स्थिति यहाँ भी है, यहाँ भी कभी भी बड़ा हादसा हो सकती है। और ये जब ट्रेनें गुजरती है तब भी कभी कभी ऊपर से टूटकर पत्थर ही सब गिरते रहता है, तो ये तो हादसा के खुलेआम आमंत्रण दे रहा है ओवर ब्रिज। और ऊपर भी कई बार हादसे हुए हैं, लेकिन आज तक ना पुलिस प्रशासन का ध्यान गया, ना जिला प्रशासन DMSP या किसी जनप्रतिनिधि का इस पर ध्यान नहीं। हम कमल नायक।